सुख और दुख जिंदगी के अहम अंग हैं। जाने कब सुख हटे दुख कहो आगमन। सुख का उपभोग संयोग से हो गया तो दुख का उपभोग कर लो जब जड़े चमन। दोनों को भोगने में उजर मत करो। हर परीक्षा मिले तो गवारा नहीं। नेकी ईमान सच्चाई जिसके नहीं तो दीन और दुनिया में उसका गुजारा नहीं। बड़ी हृदय स्पर्शी मार्मिक एवं धार्मिक कथा आप सुनने जा रहे हैं। लवकुश चरित्र ध्यान देंगे। कवि जी एक तर्ज दें और तर्ज के बोल हैं, आपके सवालों में कहना है कि पर्वतों के साये में शाम का बसेरा है। ओरिजिनल है लेकिन कहना है यहां पर, आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं। बातों से पैनी कोई भी छुरी नहीं होती। इंसान की हविश कभी पूरी नहीं होती। श्री राम अयोध्या में रहते जीत के लंका। बजने लगा अवध में विश्व विजयी का डंका। दुनिया में जय के हेतु एक सपना सजाए। श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ रचाए। दुनिया के सभी राजा महाराजा बुलाए। कुछ ऐसे भी राजा थे ना जो यज्ञ में आए। योगी यति ऋषि मुनि हैं सब आज पधारे। फिर आकर विश्वामित्र ने यूं बयान उचारे। बोले फिर विश्वामित्र जी के अश्व को लावो। अभिषेक उसका करके उसे खूब सजाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम अश्वमेघ यज्ञ की रचना किए हैं। तमाम राजा महाराजा एकत्रित हैं। विश्वामित्र जी आए और आदेश दिए कि श्यामकरण घोड़ा लाया जाए। लक्ष्मण जी के द्वारा अश्वशाला से श्यामकरण घोड़ा आया। आज तमाम अयोध्या में खुशी छाई है। राम अश्वमेघ यज्ञ की रचना किए हैं। कहना है यहां पर, अश्व को सजा करके मंडप में जब लाए हैं विश्व विजयी बनने का
राम जी के ख्वाब भी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी घोड़े को छोड़ रहे हैं। शत्रुघ्न जी को बुलाए कि आपकी अध्यक्षता में घोड़ा छूट रहा है, देखभाल आपके जिम्मे पर है। शत्रुघ्न आज्ञा सिरोधारी किए और राम एक बड़ा गर्वीला जोशीला चुनौतीपूर्ण पत्र लिखकर घोड़े के मस्तक पर बांध दिए, जो बड़ा ही गर्वीला और जोशीला है, चुनौतीपूर्ण है। गोस्वामी जी रामचरित मानस में चौपाई के भाव में देते हैं। ओ जोशीला पत्र लिख दिए कि जो बहादुर हो घोड़े को पकड़े और राम से जंग करे। चुनौतीपूर्ण पत्र लिखकर बांध दिए शत्रुघ्न जी भैया की आज्ञा का पालन के लिए और तमाम सेना के साथ, तमाम फौज के साथ शत्रुघ्न रवाना हो गए और जा रहे हैं। घोड़ा श्यामकरण आगे आगे जा रहा है, कितना खूबसूरत घोड़ा है। राम जी हवन कुंड के सामने बैठे हैं कि मेरा अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। घोड़ा चला जा रहा है। आए दिन किसी बहादुर की पकड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। बड़े बड़े बहादुर पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता। 12 महीने का दिन गुजर गया, कोई पकड़ने का प्रयास नहीं किया और इसी के बीच जो भी पकड़ा वो शत्रुघ्न के द्वारा मारा गया। शत्रुघ्न की जंग यहां तक कि लवणासुर कैटब ऐसे बहादुरों से हुई और शत्रुघ्न सबको मारकर गिरा दिए, एकदम गिरा दिए। और कहां पहुंचते हैं, कभी ने भाव दिया चौपाई में। ये सुत युगल वीर बरबंदा।
दूर से देख रहे हैं। लव कुश आश्रम से कुछ दूर पर एक बगीचे में अपने तमाम सहपाठियों के साथ खेल रहे हैं और खेल रहे हैं। श्याम करण घोड़ा दौड़ता हुआ आगे आया। लव जी आगे हैं, देखिए कि घोड़ा बड़ा सुंदर है। और कुश से कहते हैं कि ये भैया भैया क्या बात है, कहा घोड़ा बड़ा सुंदर है भैया, ये बहुत अच्छा घोड़ा है। कहा हाँ घोड़ा तो अच्छा है और जरा देखो तो। और देख रहे हैं दोनों बच्चे एकदम खुश हैं, तमाम बच्चे खुश हैं, कभी को तेरी के भाव देना पड़ा। अरे मतवाले दूनौ जंगी जोगिया, लव कुश दोनों लाल सीता के भोले भाले। मतवाले दूनौ जंगी जोगिया, लाल सीता के भोले भाले। मतवाले दूनौ जंगी जोगिया, लव कुश दोनों लाल सीता के भोले भाले। मतवाले दूनौ जंगी कहते हैं कि भैया इकरे माथे पे एक पत्र लिखल बा, कहीं का बात है, पढ़ो तो। और जब पढ़े उसमें लिखा गया है कि जेहि बल होय कहे सो बाजी, देह दंड बन जाओ की भाजी। सही मुन्ना, जो बहादुर हो राम के घोड़े को पकड़े और राम से युद्ध करे, अन्यथा मुझे दंड दे कर दे और बन को भाग जाए। कहा भैया ये चुनौती पूर्ण बात में लिखी है। कहा तो कहा कुछ आदेश दिए कि बांध घोड़ा, बांधो घोड़ा पेड़ में। और घोड़ा पेड़ में बांध दिया गया, घोड़ा पेड़ में बांध दिया गया। तमाम बच्चे देखकर हंस रहे हैं। शत्रुघ्न जी पेड़ की छांव में आराम कर रहे हैं। तमाम सेना आगे कहती है कि ये बच्चे, ए साधु के बच्चे घोड़ा छोड़ दो। कहा घोड़ा नहीं छूटेगा, घोड़ा नहीं छूटेगा। कहा क्यों? कहा आप कौन है? कहा हम राम के सिपाही हैं। कहा राम को भेजो। कहा राम को भेजे? कहा राम को भेजो, लिखा गया है कि जय बल हो कहा सो बाजी, देह दंड बन जाओ की भाजी। लेकिन सेना सेना होती है, युद्ध के लिए सब आतुर हो गए और लव कुश भयंकर युद्ध किए, भयंकर युद्ध किए, तमाम सेना को मूर्छित कर दिए। दो सिपाही भागकर पहुंचते हैं शत्रुघ्न के पास। शत्रुघ्न के पास पहुंचकर कहते हैं महाराज क्या बात है, तुम लोग बहुत घबराए हुए हो। कहा तर्ज अच्छी है, तर्ज है कि अरे गली गली नचिया देखवल सरे, अरे गली गली नचिया देखवल सरे, नैनीताल के नटिनिया। यह भाव दिया है, लेकिन कहना है बाबूजी यहाँ पर सिपाही शत्रुघ्न से कह रहे हैं कि पेड़ावा में हाँ 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 हाँ, पेड़ावा में घोड़ावा बंधवल न हो दुर्जी नाना जोगिया, हाँ दुर्जी नाना जोगिया, दुर्जी नाना जोगिया, दुर्जी नाना जोगिया, सेना सब मार के गिरावल महाराज। अरे गेरुआ बसन तन हाथे धनु बनावा,
सिपाही बात जब कहे शत्रुघ्न जी क्रोध में रवाना हो गए। अरे एकदम क्रोध में रवाना हो गए कि कौन ऐसा बहादुर जन्मा है जो घोड़ा पकड़ा है, कौन ऐसा बहादुर पैदा हुआ है जो घोड़ा पकड़ा है। और बाबूजी जब रथ समेत आते हैं कहा घोड़ा छोड़ दो। ए बच्चे घोड़ा छोड़ दो। कहा श्रीमान जी आपका परिचय। कहा मैं राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं। कहा तो अपने बड़का भैया के भेजा। कहा अरे कहा लिखा गया है कि वो राम से युद्ध करे, जो बहादुर हो घोड़ा पकड़े। तो हम घोड़ा पकड़े हैं राम से युद्ध होगी, आप जाएं श्रीमान जी। कहा घोड़ा छोड़ दो, बच्चे हो मारे जाओगे। तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे शत्रुघ्न का बात सुन के हंसई दुनो भैया। युद्ध करते हैं। कहा भीख जी नहीं मांगा हमसे करा हो लड़ैया। मैया मोरी हाँ हाँ मोरी मैया हो, अरे मैया मोरी दूधवा पियावलिनी हो नाना जोगिया। शत्रुघ्न जी क्रोध में आ गए कि ये बच्चे छोटे छोटे साधु के बच्चे मुझे ललकार रहे हैं। धिक्कार है शत्रुघ्न तुम्हें, धिक्कार है। अपने आप को धिक्कार के बाबूजी धनुष बाण उठा लिया कि तैयार हो जाओ। बच्चों के ऊपर घमासान घनघोर युद्ध बा गए शत्रुघ्न हारी। अरे घायल हो के गिरे धरन पर, अरे हंसले लाल हजारी हो मतवाले दोनों जंगी जोगिया। अरे हमारा महतारी बा बड़े नाज से पाले मतवाले दोनों जंगी जोगिया। शत्रुघ्न जी पराजित हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। और जब गिर गए तो दूसरे सिपाही भागकर अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं। तमाम सेना मूर्छित है। दूसरे सिपाही अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हवन कुंड के सामने पहुंचे हैं। पुरोहित जी तमाम लोग सभासद सब बैठे हैं और यही सोच रहे हैं कि हमारा अश्वमेघ यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। तब तक सिपाही कहते हैं, प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो, क्या बात है, तुम लोग बहुत घबराए हो। कहा महाराज जी इतना दिन तो हुआ बड़े बड़े बहादुर घोड़ा पकड़े लेकिन शत्रुघ्न जी सबको मार के गिरा दिए, लेकिन वाल्मीकि की कुटिया के सामने हम लोग पहुंचे हैं और घोड़ा वहां पर दो बच्चे बांध लिए और घोड़ा छोड़ते नहीं। तमाम युद्ध हुआ महाराज, शत्रुघ्न जी मूर्छित होकर गिरे हैं। कहा हमार भैया शत्रुघ्न मूर्छित होकर गिरे हैं, शत्रुओं का विनाश करने के ही लिए उनका जन्म हुआ है। और शत्रुघ्न धराशायी कहे हाँ। कहा तो फिर एक बात है। कहा कहें चौपाई में भाव मिलता है, लक्ष्मण के संग जाओ तुम भाई अमुनि बालक बांधे उबरियाई मारे उजनिया ने पुरमाही पर शिशुत बधन उचित नहीं काही। आदेश दिए राम जी, लक्ष्मण जाओ, याद रहे कि बच्चे मारे न जाएं, ऋषि के बच्चों को मारना उचित नहीं है।
लक्ष्मण जी चलते हैं तमाम सेना के साथ, और जब स्थल पर पहुंचते हैं, तो लोगों से पूछते हैं कि कहाँ घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़ा बंधा हुआ है, और देखे लक्ष्मण जी पहुंचकर कहते हैं लव कुश से, तमाम बच्चे खड़े हैं, जो कि आप बाना में कितना सुंदर लग रहे हैं, श्याम सलोनी जोड़ी अजीब सी लग रही है, लक्ष्मण जी देख रहे हैं, कहाँ घोड़ा बांधा है आप लोगों ने, कहाँ, कहाँ घोड़ा छोड़ दो, कहाँ आपका परिचय, कहाँ मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, कहाँ का घोड़ा नहीं छूटेगा, कहा क्यों, कहा अपने बड़का भैया का भेजा, कहे बड़का भैया के, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के गुस्सा लग गया, राम जी कहे हैं कि मारना नहीं, लेकिन यहां पर कहते हैं कि जान से मारूंगा, अरे जान से मारूंगा, कहे सुमित्रा नंदन ले धनवान, जान से मारूंगा, जान बचाकर भागा बचवा या भाई उमर लड़कियां, अरे लक्ष्मण जी ललकार कर कहते हैं कि भाग जाओ, लेकिन बच्चे हैं कि हंस रहे हैं लक्ष्मण की बात सुनकर, कहा जान बचाकर भागा बचवा या भाई उमर लड़कियां, अरे दोनों वीर बालक हंस बोले जिन बोला जब रैया, जान से मारूंगा, जान से मारूंगा, बसा भाई कई देखा जा श्रीमान, जान से मारूंगा, दशा देख ले तुम्हारे भैया गिरे हैं। अरे शत्रुघ्न को देखकर लक्ष्मण को और क्रोध सवार हो गया, कि मैं मार डालूंगा, कहा कोई परवाह नहीं है, बहादुर हो चला हनुमान, और कुछ खड़े होकर कहते हैं, लव कहते हैं कि भैया छुटके का लड़ाई छुटके से ना हो जाए, क्योंकि ना भैया हमार भैया घोड़ा देखें, लड़े बदे हम काफी है, भैया चिंता करने की बात नहीं, भैया तू खड़ा रहा बस, और कुछ जी ललकार कर कहते हैं कि हमसे करा लड़ाई डट के कभो न छोड़ा घोड़ा, ए लक्ष्मण महाराज हमसे करा लड़ाई डट के कभो न छोड़ा घोड़ा, वाल्मीकि ब्रह्मास्त्र तब कुछ ने तैसन छोड़ा, जान से मारूंगा, जान से मारूंगा, अरे लक्ष्मण मूर्छित होके गिरे उतान, जान से मारूंगा, कमाल कर गए, मार के एकदम मूर्छित कर दिए, आज लक्ष्मण जी धराशायी हो गए, तमाम सेना चकित रह गई कि ये कितने बहादुर बच्चे हैं, और उसी वक्त सिपाही भागकर, ठीक उसी समय सिपाही भागत 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 पहुंचते हैं अयोध्यापुरी में, राम जी बैठे हैं, महाराज की जय हो, क्या बात है महाराज जी, वो घोड़ा पकड़ा गया है, कहा वो तो हम जानते हैं, तो लक्ष्मण जी गए हैं, कहा लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, एकदम मूर्छित पड़े हैं, तमाम सेना मारी गई, महाराज हम आपके पास सूचना देने के लिए आए हैं, कहा भाई भरत, भरत जी को इशारा दिए कि भैया आप जाकर जरा देखें, कहा भाई हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, कहा फिर, कहा तमाम हमें सेना दीजिए, तमाम ये पूरा पूरी बांदरी सेना हमें दीजिए, पूरी बांदरी सेना उन्हें मिलती है, और आज बड़े गर्व के साथ भरत जी भाई का चरण स्पर्श करके वाल्मीकि कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं, और आए जब पहुंचे वहां पर तो बजरंगबली से कहते हैं, कि महावीर आप महान हैं, कहा तो, कहा दोनों बच्चों को पकड़कर यहां लाएं, तमाम सेना रोक दी गई, भरत जी पेड़ की छांव में रथ पर बैठे हैं, और बजरंग बली गदा लेकर जय श्री राम का नारा लगाकर पहुंचते हैं, और जब वहां पर पहुंचते हैं तो बच्चे देख रहे हैं, और लोग कहते हैं भैया, हे भैया, अरे मुटका बंदर,
बड़ा अच्छा बंदर भैया, बड़ा अच्छा बंदर भैया। हाँ हाँ, तमाम लड़के हंसने लगे। कहा नगदबा, अरे नगदबा ये है मोटकई बनरवा, नगदबा तो देखकर एकदम चकित रह गए कि रे ये तो जैसे राम लक्ष्मण, इसलिए कि बाल्यावस्था भी बजरंग बली रामचंद्र लक्ष्मण जी की देखे हैं। बड़ा अचंभों में फंस गए और हनुमान जी कहते हैं कि अरे ये बच्चे कहे हैं, कहे कि घोड़ा आप लोगों ने पकड़ा है। कहा हाँ। कहा क्या नाम है बंदर, तुम घोड़ा चुराने आए हो, आ जाओ आओ मेरे पास आओ। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। कहा आओ, तुम लड़ाई नहीं लोगे, लड़ाई नहीं लड़ोगे। कहा मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, तुम हो कौन और क्या कहते हैं बजरंग बली। गदा नीचे रखकर आज बोलते हैं कि तोहरे माता पिता के धन्यवाद है, 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 तोहरे माता बात सुनकर लवकुश दोनों बहादुर सोचने लगे। कहा वीर आपका परिचय, कहा मुझे हनुमान कहते हैं। कहा ओ आप हनुमान हैं, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे गुरुजी ने सब बताया है। वाल्मीकि जी सारी बात बता के रखे हैं और एक ही बात छिपा के रखे हैं, छिपा दिए हैं जिसे लव और कुश नहीं जानते हैं।
हनुमान जी सर नीचे करके और गदा लेके चल धीरे। लव देख रहे हैं, भैया भैया ये बंदर चला जा रहा है। कहा रे तू लड़ाई लड़ो, हम तुमको जान से नहीं मारेंगे। कहा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक रामदास हनुमान जी गदा लेकर चले गए। चले गए कि छोटे छोटे बच्चों पर गदा कैसे हम चलाएं? हाँ, ये तो राम लक्ष्मण सरीखे हैं। हंसते हुए बजरंगबली जा रहे हैं और इतने में अंगद से मुलाकात हो गई। अंगद से मुलाकात हो गई, अंगद कहते हैं बजरंगबली खाली हाथ आप? भरत जी की बात नहीं माने, कहा बड़ा बहादुर है तो तुम ही जा, जाके पकड़ के लाओ। तो भरत जी कहते हैं कि सुनो हमारी बात। कहा बोलिए। कहा जामवंत कपिराज नील नल अंगद यरु हनुमान, अरे कहे भरत ए भक्त विभीषण, अरे हो भीषण मैदान हो मतवाले दूनऊ जंगी जोगिया, अरे मतवाले दूनऊ जंगी जोगिया, अरे जान पर खेल के दोनों पकड़ो वीर करा ले मतवाले दूनऊ जंगी जोगिया। पकड़े जाएं, मारे न जाएं, तमाम सेना टूट पड़ी। अंगद जी बोले कि मैं स्वयं जाऊंगा। और अंगद जब सामने आते हैं, कहा घोड़ा छोड़ दो। कहा वीर तुम्हारा परिचय? कहा मैं राम के दल का सिपाही हूं, मेरा नाम अंगद है। कहा ओ अंगद आप हैं, बहुत बहादुर हैं आप तो। कहा हां, घोड़ा छोड़ दो वरना मारे जाओगे। बच्चे दोनों ललकार कर कहते हैं, कुछ खड़े हैं सामने और मुस्कुरा के क्या कहते हैं कि जतना बहादुर हया, अरे जतना बहादुर हया जानीला, तोहरे माई का करनी जा। परिवार के बाद ये कैसे लड़का जानती भाई? लेकिन गुरु कृपा से वाल्मीकि जी सब कुछ बता के रखे हैं बच्चों को। कहा अंगद, बाली बहादुर का बधन कर वौला, माई का दूसरे के पल्ले पठौला, माई का दूसरे लाज न लगे करे आया लड़ैया, लाज न लगल करे आया लड़ैया, सिरवा से आज हो सिरवा से सियारे कई आज गिरे तैया। तेर से सियरवा देखा गिरे तैया, हाँ।
अरे जब ऐसी बात सुने अंगद तो पूरा टेम्पर हो उतर गया अंगद का, हाय पूरा ताव एकदम बेकार हो गया कि अरे छोटे छोटे बच्चा हमारे महतारी बाप का बात कैसे जाना थी, लेकिन गुरु जी सब बताए हैं, कहा तू हमसे का लड़ बैठ। तमाम नल नील जामवंत अंगद एक साथ लड़ाई को उद्दत हुए, एक साथ लड़ाई को उद्दत हुए। कुछ कहते हैं लोग, कहें भैया कहें हाँ कहें कुछ करो, हमहूँ को बाण चलाने का मौका देना, कहें हमारे भैया खड़ा रहें घोड़ा देखें लड़ाई के लिए कुछ काफी है भैया, कहें हाँ कहें हाँ। तमाम बाणरी सेना जब टूटी उठाकर कुछ बाण मारे, उठाकर कुछ बाण मारे और सब जाके आकाश में, आकाश में पहुंचते हैं कि ये वाल्मीकि की कुटिया है, ये लंकापुरी नहीं है, याद रहे। जब राम की दुहाई देते हैं, जब राम की दुहाई दिए तो लोग कहते भैया ये दुहाई दे रहे हैं किसी की, इनको नीचे उतार लो, और नीचे उतार कर कुछ तमाम बाणों से बेद दिए कि बंधे रहो यहीं पर, जितनी बहादुरी यहीं पर दिखाओ यहीं पर बंधे रहो, और बांध दिए। जब बाबूजी भरत के पास सिपाही पूछते हैं कि तमाम सेना बंध गई महाराज, बाणों से बिधे हुए हैं, आज भरत जी पागल हो गए, भरत जी पागल हो गए एकदम क्रोधावेश में रथ पर सवार हुए और सारथी को कहा कि लस्ते चलो ले चलो जहां पर बच्चे हैं। और वहां पर जब पहुंचते हैं न सलाम न दुआ न प्रणाम कुछ नहीं, देखें बच्चे भी देखते हैं और भरत जी वहां पर पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, कहा घोड़ा छोड़ दो बच्चे, घोड़ा आपने पकड़ा है, कहा जी, कहा आपका परिचय, कहा मैं राम का छोटा भाई भरत हूं, कहा तो अपने बड़के भैया का भेजा। लव कहते हैं कि भैया राम के कितना छोटा भाई है, ये बड़का का नंबर कब लगी। कुछ जी हंसने लगे कि ये भैया कौनो ऐसी बात ना है, आज आजा। कहा श्रीमान जी घोड़ा तो हमने पड़ा आग छुड़ाने के लिए आए हैं, तो युद्ध तो राम से होना है। कहा राम का नाम मत लो, वो मेरे पूजनीय हैं, मेरे अग्रज हैं। कहा ठीक है, आप ठीक कहते हैं, तो फिर बहादुर हो तो धनुष बाण उठाओ, घोड़ा नहीं छूटेगा। अरे बाप रे, अब भाई लड़ाई जम के देखा, भाई लड़ाई जम के देखा, गिर गई ले बलधारी, अरे खींच के कुछ न देखो बबुआ, ऐसा बाण हो मारी की मतवाले दूनौ जंगी जोगिया, अरे मतवाले दूनौ जंगी जोगिया, दूनौ लालू छलते बोला कौन संभाले, मतवाले दूनौ जंगी जोगिया। जी गिर गए, लड़ाई हुई, भरत जैसे बहादुर को मूर्छित करके गिरा दिए कि पड़े रहो यहीं पर। मर्यादा पुरुषोत्तम के तीन तीन भाई युद्ध स्थल में मूर्छित पड़े हैं, तमाम बांदरी सेना आज मूर्छित पड़ी है। बारे लवकुश कितना बड़ा कमाल किए बाबूजी। और दो सिपाही भागकर अयोध्यापुरी पहुंचते हैं, अयोध्या में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम हवन कुंड के सामने बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। और तब तक सिपाही कहते महाराज की जय हो, क्या बात है। कहा भरत जी तमाम सेना समेत मूर्छित हो गए, तमाम बांदरी सेना जितने भी आप भेजे थे, हनुमान नल नील अंगद मयंत सब बंधे पड़े हैं। कहा सब बंधे पड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हवन सामग्री फेंक कर कि ये कैसे बच्चे हैं महाराज, ये दोनों लड़का जिसे आपका परछाई लगे महाराज, एकदम परछाई लगे महाराज, इतना सुंदर है कि क्या बताइए महाराज, देखते बना था, छोट छोट धनु लेके ऐसा खेल खेल में सबको मार के गिरा दिए महाराज। तो प्रभु जी बड़ा चकित हो गए और क्या कहते हैं कि चले सकोपी कृपाल उदारा, आए जहां प्रभु कटक संहारा, मुनि बालक बर देख सुहाए, अझट श्री राम निवारी बुलाए। बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम क्रोध में चले हैं, एकदम क्रोध में कि कैसे बच्चे हैं, आए जब रथ पर सवार हैं बच्चों के साथ, कुछ दूर पर रथ रोक दिए, रथ एक बगीचे में रोककर पैदल चलते हैं, साथियों से पूछते हैं घोड़ा कहां बंधा है। कहा घोड़ा सामने बंधा हुआ है महाराज, चले आप। राम जब आए और वहां पर पहुंचते हैं,
दोनों बच्चों को देखे एक टक लगाकर देखते हैं तो राम पैदल चले आ रहे हैं। तो जब आदर भाव से राम आ रहे हैं तो बच्चे भी लव और कुश कहते हैं कि भैया दो कदम चल के इनकर आगवानी कर लें। कहें ये बात कहें, हाँ दो कदम चल के बच्चे आगवानी करते हैं और क्या कहते हैं कि प्रणाम स्वीकार हो श्रीमान जी। कहते हैं आयुष्मान भव विजयी भव। राम के मुख से अचानक निकल गया और बच्चों को देख कर क्या कहते हैं कि यहाँ आओ। कहा श्रीमान जी हम जानना चाहते हैं आप हैं कौन। कहा घोड़ा पकड़े हैं ना आप लोग, घोड़ा पकड़े हो। कहा हाँ। कहा बहुत बहादुर हो, यहाँ मेरे पास आओ। मैं राम हूँ, अयोध्या नरेश राजा राम हूँ। कहा आपने ये घोड़ा छुड़ा महाराज और ये चुनौतीपूर्ण पत्र। कहा हाँ हम ही ने लिखा है, जो कोई घोड़ा पकड़ेगा वो राम से युद्ध करेगा। तो कहा श्रीमान जी आप घोड़ा छुड़ाने आए। कहा हाँ। कहा तो फिर उठाइए धनुष बाण। कहा इसके पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। कहा पूछे श्रीमान जी। और राम आज भाव विवर होकर बच्चों को एक टकी लगाकर देखते हैं। बाबूजी राम अपने ही बच्चों को देख रहे हैं और आज मंत्र मुग्ध हैं। क्या कहते हैं बेटे। कहा बोलिए श्रीमान जी। लव कुश से पूछे सब हाल, हे लाल कहाँ मकान। खानदान का परिचय पूछने आए हैं, अगर आप बहादुर हैं तो धनुष बाण उठाएं। कहा ये बात नहीं है, इसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम किसके बच्चे हो। कहा मेरे माँ बाप का नाम पूछकर श्रीमान जी आपने मेरे हृदय को द्रवित किया, बहुत दुख दिया है श्रीमान जी आपने। आप घोड़ा छुड़ाने हैं, मेरे खानदान का परिचय पूछने वाले आप कौन होते हैं। लेकिन अगर आपने सवाल किया है तो जवाब मेरे पास है। बच्चे क्या कहते हैं सुनिए श्रीमान जी। वाल्मीक मुनि लव कुश को है पाला, जनक दुदारी सीता माता मोर कहाला। श्रीमान जी वाल्मीक मुनि लव कुश को है पाला, जनक दुदारी सीता माता मोर कहाला। बहुत दुख उठाए हैं मेरी माँ ने श्रीमान जी, मैं उस माँ का बेटा हूँ जो बन बन भटकी है। मेरी माँ बहुत दुख उठाई है श्रीमान जी, मेरी माँ को जनक नंदिनी पूजनीय श्री सीता जी कहते हैं। श्रीमान जी मैं उस माँ का बेटा हूँ, हम दोनों भाई उसी गुलशन के फूल हैं। राम देख रहे हैं। कहा पिताजी के जानी ना हम हाल हो।
जी खजानी ना हम हाल हे लाल कहवा मकान बा अपने पिताजी के बारे में श्रीमान जी नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हम दोनों भाई को वाल्मीकि मुनि जी पाले हैं, बड़े दुलार प्यार से सब कुछ सिखाए हैं, बताए हैं, पढ़ाए हैं। और मेरी माँ बहुत दुलार करती है मुझे। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी का बेटा हूँ श्रीमान जी। सिया का नाम सुनत नैनों में भरा राम के पानी, हनुमान विभीषण से श्री राम जी तब बोले मधु बानी। राम बच्चों को देखते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं कि राम तुम्हें धिक्कार है, अयोध्या के राजा हो, तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं राम, लेकिन तुम कह नहीं सकते हो कि मेरे बच्चे हैं। बच्चे देख रहे हैं श्रीमान जी, आप के नेत्र सजल हो गए, आप रो रहे हैं श्रीमान जी, का बात है? पिताजी के बारे में तो मैं नहीं जानता श्रीमान जी, लेकिन मेरी माँ का नाम तो सीता है, आप रोने क्यों लगे? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। राम रोते हुए धनुष उठाए और एकदम शिथिल होकर मनमार की मर्यादा पुरुषोत्तम के नैनों से सावन बरस रहा है और लौट पड़े। हनुमान विभीषण से कहे कि जंग करो, बच्चों को पकड़ कर मेरे पास लाओ, याद रहे कि मेरे बच्चों को खरोच न लगे। कहा बच्चे कहाँ, ले आओ, बच्चे मारे न जाएं, बच्चों को सावधानी के साथ मेरे पास लाओ। और रथ के ऊपर राम जी चले गए। बाबू जी सिसक सिसक कर रोते हैं कि राम तुम्हें धिक्कार है, राम तुम्हें धिक्कार है, अयोध्या के राजा हो तुम। और राम जब रो रहे हैं, यहां पर आदेशानुसार विभीषण यहां पर टूट पड़े और लड़ाई के मैदान में पापड़ का भाव देना पड़ा। बाबूजी अरे कहे विभीषण आए सुना धन बनवा बीचे रनवा में, अरे कहे विभीषण लिए सुना धन बनवा बीचे रनवा में, और लव कुश दोनों वीर कहां ते चनवा बीचे रनवा में। बच्चे पूछते हैं, अरे बहादुर अपना परिचय दो। तो हर परिचय का है वीर, कहा मुझे विभीषण कहते हैं, कहा लंकापति विभीषण, कहा वाल्मीकि जी की बताई बात दोहरा दिए बच्चे की, सुनो बहादुर बनते हो, कहा दुष्ट विभीषण, अरे मूर्ख विभीषण, लाज लगे ना भाई का मरा बहुल्या हो, त्रिलोक विजय दशकंधर का वध तुमने करवाया है, मूर्ख विभीषण लाज लगे ना भाई का मरा बहुल्या हो, अब हो जा मंदोदरी का तू अपन नारी बनवला हो, अरे डूब भरा चुल्लू भर कदहू पानी तनवा बीचे रनवा में, अदुष्ट आज अन्यायी कर लड़नवा बीचे रनवा में। तुम नीच मूर्ख दुष्ट मुझसे युद्ध करने आए हो, विभीषण मैं पूछता हूं कि भाभी का रिश्ता क्या होता है, भौजाई क्या होती है? कहा माँ के समान होती है। कहा तू अपने मातारी को बैठा लिया, मातारी को बैठा लिया, तो शर्म नहीं लगत? कहा विभीषण चकित हो गए कि ये बच्चे कैसे जानते हैं, ये छोटे छोटे लव कुछ बच्चे कैसे जानते हैं मेरे भाई के बारे में, मेरे भाभी के बारे में, यही बात सोच ही रहे हैं। और तब तक पूरा कपिदल टूट पड़ा। बाबू जी टूट पड़ा कैसे होता है कि भाई लड़ाई जम के देखा, अरे भाई लड़ाई गिरे विभीषण, कपिदल सारा भागा हो, अल्लाह कुछ दोनों खड़े घेर के हनुमान का, ए मटका बंदर ए नहीं भागोगे, रुक के
हनुमान जी गदा लेके रुक गए। बाबूजी कैसे उनकर हिम्मत पड़े कि छोट छोट लड़कियां बुला रहे हैं और चला जाए। तमाम सेना भाग गई, लेकिन आज बजरंग बली खड़े हैं बाबूजी। अरे हनुमान का बादल ये बंधनवा बीचरनवा में, हनुमान का बादल ये बंधनवा बीचरनवा में, और बांध के देखा लगे सिया समनवा बीचरनवा में। हनुमान को भाग जाओगे, हम खेलेंगे। और सीता जी के सामने लाते हैं बाबूजी। श्याम करण घोड़े को पकड़े हैं, राम रथ पर रो रहे हैं, और बच्चे दोनों घोड़ा को पकड़ लिए हैं, और घोड़ा को पकड़े हैं हनुमान जी को बांध के। लव कहते हैं कि हम तो फिर सवारी करब, खेल खेलब। हनुमान जी हंस रहे हैं कि कितनी देर तक इन बच्चों के पास हम रहे। बाबू जी बांध कर दोनों बच्चे वहां पहुंचते हैं माँ के पास। जब आते हैं, माँ माँ जी, बन देवी श्री सीता जी कुटिया से बाहर निकलती हैं। क्या बात है लव, कहा देखो माँ, देखो ये कौन आए हैं। अरे बाप रे, बांध कर झट हनुमान को देखो, कुटिया पर जब आए हैं, और पूजनीय माता सब सीता को झट बुलब आए हैं। मतारी आगे कहा थी कि बेटवा, अरे ये का है, कहा माता देखा ना। अरे हनुमान जी गिर गए जाय चरणवा बीचे रनवा में, हनुमान जी गिर गए जाय चरणवा बीचे रनवा में, और जनक दुलारी गिर गई धरनवा बीचे रनवा में। बजरंग बली को देख के माँ, हम श्याम करण घोड़ा पकड़े हैं, तमाम वीरों को मार के गिरा दिए माँ, तमाम वीरों को मार के गिरा दिए। और क्या कहते हैं, कहा ये बात कहाँ। और उसी वक्त बाबूजी बजरंग बली को देखे हैं और क्या कहते हैं, सीता जी कह रही हैं कि बजरंगी आपका सीता माँ के चरणों में बजरंगी का प्रणाम, अरे धन धन तेरो जायो बेटो माँ कियो बड़ा संग्राम। माँ ये आप क्या अपने बच्चे हैं, कहा हाँ, क्या बात है, कहा माँ रघुवंश का विनाश हो गया, रघुवंश का विनाश हो गया, कहा हाँ, कहा माँ अश्वमेध यज्ञ की रचना मर्यादा पुरुषोत्तम किए, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तमाम सेना युद्ध में मारी गई माँ, ये श्याम करण घोड़ा है। कहा ओह ये बात, सीताजी मारना चाहती है बाबू जी कि कुछ, अरे इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला है। अरे उसी समय वाल्मीकि जी कुटिया पर हैं आए, अरे सीता जी रो रो के सब अरे सारी बात बताए हो, मतवाले दोनों जंगी जोगिया, अरे लव कुश दोनों लाल रघुवंश नाश कर डाले। कहा ये तुम्हारे बेटे लव कुश मेरे अपने बेचे बेटे ये रघुवंश का विनाश कर दिए। वही वाल्मीकि माना ही नहीं सीता का कहना है भैया, ना मोरी बिटिया लव कुश बीरवा महान, बतिया बतावा लागे सेनहुरा मिटलना बिटिया। बाबा कैले प्रस्थान, लव कुछ कहते हैं बाबा चुनौती का सामना करना कोई गलत बात है करना, कहें बाबा घोड़े के माथे पर लिखा हुआ था कि जो बहादुर हो घोड़ा को पकड़े और राम से युद्ध करे। तो घोड़ा को पकड़े बाबा, और अम्मा जी हम पे हाथ उठा दिए, बाबा जी माँ हमारे मारते हमारे बहादुरी की तारीफ न की है। कहा हमारे लव कुश बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। रथिया पे राम रोवाए मुनि के नयनवा भैया, वाल्मीकि आई के तब बोला ले बयान,
राम राम कह के बाल मीकजी बोलवले, राम राम कह के बाल मीकजी बोलवले, उठा ना ना खोला देखा अपन संता। राम जब वाल्मीकि की आवाज सुने रस से कूद गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। कहा राम इन्हें जानते हो? कहा कि जी गुरु जी अच्छे ढंग से जानता हूँ। कहा लो कुछ अपने पिताजी के पाँव छुओ। कहा कहा यही राम तुम्हारे पिता हैं बेटे। पिता का पाँव छुओ। कहा बहुत दुख दिए हैं मेरी माँ को, मेरी माँ बन बन भटकी है श्रीमान जी। कहा मेरी आज्ञा है लव कुछ जैसे मिलना चाहते हैं बाबूजी। राम जी छाती से लगा लिए बच्चों को, चूमने लगे बाबूजी। पिता पुत्र के मिलन पर देवता अमृत की वर्षा किए, तमाम मूर्छित सेना जग गई, तमाम मूर्छित सेना जगी। भरत शत्रुघ्न आज लक्ष्मण कि मेरे भतीजे हैं लवकुश, बड़ी खुशी छाई बाबूजी और आ गए तमाम सामने। राम इशारा किए कि लक्ष्मण सीता को बुला के लाओ और अपने सतीत्व की परीक्षा दें, आज साबित करें। और सीता जी के मन में भी यह बात जगी है कि आज इस बात को सीता साबित कर देगी कि सीता सती है। और आती हैं बाबूजी सभा के अंदर तो क्या कहती हैं, जनक दुलारी को लक्ष्मण जी बुलवा लाए और जनक नंदिनी आई तमाम सभा के सामने। आज कह रही हैं, अरे आकर सभा में चारों ओर खड़ी निहारी जानकी, अरे मैया मैया कह के धरनी के पुकारी जानकी। कह रही हैं कि अगर पति बरता हूं तो फाट जाए माता, अरे टूट जाए हमसे ये जगत या के नाता। मां मैं तुम्हारी बेटी हूं, दुनिया में कहलाने के लिए मैं जनक की बेटी कहलाई, वैदेही कहलाई, सीता कहलाई, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है मां कि मैं धरती पुत्री हूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं मां। तुम मुझे बुला लो वरना दुनिया मुझे कलंकित कहेगी मां कि पृथ्वी की बेटी सीता कलंकित रही। कहा सीता जी रो रही हैं, तमाम लोग देख रहे हैं आज सीता जी की पुकार पे बाबूजी। सीता की पुकार सुन के धरती फट गईली और फाट गईली धरती पृथ्वी माता तब आईली। सीता ने साबित कर दिया कि सीता सती है, अयोध्यावासी कलंकित किए थे। फाट गईली धरती पृथ्वी माता तब आईली। और मां बुला रही है आओ सीते, तमाम लोग देख रहे हैं, लव देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। वाल्मीकि जी खड़े हैं, आज से अंत तक पूरी कथा जानने वाले ज्ञानी खड़े हैं और देखते हैं पृथ्वी माँ बुला रही हैं कि आओ सीते आओ बेटी। सीता ने साबित कर दिया हाथ जोड़कर अपने प्रभु को, अपने राम को प्रणाम किया, तमाम लोगों को प्रणाम करके सीता आज फाट गईली धरती पृथ्वी माता तब आईली। और सीता के सिंहासन पर बिठा के चली गईली धरती में समाई झट दुलारी जानकी, मैया मैया कह के धरनी के पुकारी जानकी। जी पृथ्वी को की गोद में समा गई, चली गई बाबूजी, तमाम सब कुछ छोड़कर लौट करो अयोध्या वापस नहीं आई। कहना हुआ कि सीता जी दुल्हन बनकर जनकपुर से अयोध्या पहुंची और जब से अयोध्या में पहुंची तब से सुख नहीं पाई बाबूजी, नहीं सुख पाई। तो जब आदि शक्ति जगदम्बा को सीता को अयोध्यावासी चैन से नहीं रहने दिए तो अयोध्या चैन से कैसे रहेगी बाबूजी, जहां पर आदि शक्ति का अपमान है। और यहां पर लवकुश को प्रभु साथ लिए और अवधपुरी में आए, कबीवर राम आधार कहे स्वामी गीतानंद दर्शाए हो, मत वाले दूनल जंगी जोगिया राम रूपी सागर में हैदर अली नहाले, मत वाले दूनल जंगी जोगिया।
बन के मोरे जीवन में आए बहार बन के।